किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों में सरसों की बुआई जो है भारत देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत देश में सबसे ज्यादा सरसों जो है राजस्थान राज्य में बोई जाती है और सबसे ज्यादा पैदावार सरसों की राजस्थान के लोग ही ले पाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सरसों की कटाई जो है कितने दिन पर करें जिससे कि आपके सरसों में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का ये कमेंट आता है कि सरसों की कटाई हमें कब करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सरसों की कटाई करते हैं तो सरसों की कटाई करते समय आप पेड़ जो है उसको जब खेत में रखते हैं तो पेड़ जो है उसमें से सरसों झड़ जाती है और आपका काफी नुकसान होता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये सुनहले रंग की सरसों हो गई है, इस कंडीशन में आप सरसों की कटाई कर सकते हैं। ये जब किसान भाइयों सुनहले रंग की हो जाए उस समय आप सरसों की कटाई कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपके खेत में 85% सरसों जो है वो पक गई हो और ऊपर की 15% सरसों जो है वो हरी हो, उस समय आप सरसों की अगर कटाई करते हैं तो आपके खेत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी सरसों में किसी प्रकार का कोई झड़ने वाली समस्या नहीं आएगी और आपकी सरसों जो है पूरा का पूरा आपके घर पे उपज देके जाएगी। इसलिए किसान भाइयों ये जानकारी आपको देना जरूरी है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ आपको हम दिखा रहे हैं, ये पेड़ पक गया है, लेकिन एक पेड़ के पक जाने से नहीं है, कम से कम 85% पेड़ जो है वो पक जाए और उसमें लगभग 85-90% फलियां जो है वो अच्छी तरह से पक जाएं, ऊपर की 2-4 फलियां जो है वो हरी रहें, उस समय आप अगर सरसों की कटाई करते हैं तो वही मेन समय होता है सरसों को काटने का। किसान भाइयों, हमें लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके आप किसी भी जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।